हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेंडरिंग सिस्टम की, जो रेलवे कौन सी टेंडरिंग सिस्टम को अडॉप्ट करता है और जो रेलवे में कोई भी वर्क्स और मटेरियल की परचेजिंग होती है उसमें किस तरह की टेंडरिंग सिस्टम अडॉप्ट की जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि टेंडर होता क्या है। तो जैसा कि हमने लिखा हुआ है, टेंडर इज अ सॉर्ट ऑफ बिड और ऑफर मेड बाई ए कॉन्ट्रैक्टर। एक कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा एक तरह की बिड और ऑफर मेंटेन की जाती है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन वर्क और सप्लाई ऑफ द मटेरियल्स। किसी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए या मटेरियल्स की सप्लाई करने के लिए, है ना, फॉर सच एंड टर्म्स एंड कंडीशंस एट अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, तो इसे हम टेंडर कहते हैं। और किसी भी जोन रेलवेज में जब वैल्यू ऑफ वर्क जो होता है वो 2 लाख से ज़्यादा का एक्सीड करता है, तो उस केस में उस वर्क का एग्जीक्यूशन टेंडरिंग प्रोसीजर को अडॉप्ट करके किया जाता है। तो टेंडरिंग अडॉप्ट क्यों करते हैं, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मकसद है? तो एक तरह से हम देखा जाए अगर, तो यहाँ पे टेंडरिंग के थ्रू क्या है, हम जो रेट है जो कई फर्म्स होते हैं उनके बीच हम कंपटीशन पैदा करते हैं, तो जिससे हमको कि रेट जो है तो बेटर मिलता है। एक तरह से हमें इकोनॉमिक प्राइस पे एक तरह से हम अच्छे सप्लाई की गारंटी लेते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो जो प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स है, मशीन्स है या इक्विपमेंट्स है ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिटीज जो है वो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर से हमें मिल जाती है। साथ ही क्या है, इक्विटी इन सिलेक्शंस, जो सिलेक्शंस है उसमें भी एक तरह से इक्विटी मेंटेन हो जाती है कि मतलब हमें और किसी के साथ जो है पार्शलिटी इस टाइप का नहीं होता इसमें, मतलब ट्रांसपेरेंसी एक तरह से रहती है। फिर अगर बात करें यहाँ पे टाइप्स की, तो टेंडर्स में बेसिकली 5 टाइप्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला है ओपन टेंडर, दूसरा है लिमिटेड टेंडर, तीसरा है सिंगल टेंडर और चौथा है स्पेशल लिमिटेड टेंडर, स्पेशल लिमिटेड टेंडर, और पांचवा है बुलेटिन टेंडर। तो यहाँ पे ओपन टेंडर की बात करते हैं। अगर ओपन टेंडर क्या होता है, ओपन टेंडर इज अ इनविटेशन ऑफ टेंडर बाय पब्लिक एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या करती है, जो भी रेलवेज है जैसे, तो कई पब्लिक फर्म से एक तरह से या कई पब्लिक एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू क्या करती है जो है, तो इन ओपन पब्लिक मैनर में जो है तो एक तरह से टेंडरिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करती है, टेंडर्स निकालती है। जैसे रेलवे ऑफिसेस में नोटिस या सर्कुलर जारी करती है, या कई दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसेस में नोटिस और सर्कुलर जारी किए जाते हैं, या एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं लोकल न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर, नेशनल न्यूज़पेपर, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में, और एक तरह से कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में उसको अपलोड करके हम इस तरह से एडवर्टाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टेंडरिंग सिस्टम है वह टाइप ऑफ टेंडर का, वह है लिमिटेड टेंडर। तो लिमिटेड टेंडर में क्या किया जाता है, जितनी भी रेलवे यूनिट्स हैं उनके पास वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इन सब की एक RDSO द्वारा अप्रूव लिस्ट होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट लिस्ट दे सेंड द टेंडर्स टू द अप्रूव्ड पार्टीज, और जनरली कितने इसमें मिनिमम 10 फर्म्स जो है वो लिमिटेड टेंडर्स के अंदर रजिस्टर्ड किए जाते हैं। मैं आपको आगे अभी इसके बारे में बताऊंगा कि लिमिटेड टेंडर के अंदर जो लेवल ऑफ ऑफिसर्स हैं उनकी शेड्यूल ऑफ पावर्स, मतलब कितनी पावर्स तक का, कितना अमाउंट तक का वो जो रुपया है उसको खर्च कर सकते हैं उसके बारे में, उस प्रोजेक्ट पर। नेक्स्ट आता है स्पेशल लिमिटेड टेंडर्स। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं जिसमें कि एक तरह से जो अप्रूव्ड लिस्ट है लिमिटेड टेंडर में, उसके बाहर से अगर हमें किसी फर्म्स को एक तरह से इनवाइट करना होता है तो उस केस में हम यूज़ करते हैं क्या, स्पेशल लिमिटेड टेंडर्स। तो स्पेशल लिमिटेड टेंडर्स जो है मेनली वह फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर्स के कंकरेंस पर और GM के सैंक्शन पर इनवाइट किया जाता है। तो स्पेशल लिमिटेड टेंडर्स की अगर बात करें तो मेनली इसमें 4 से कम नहीं होना चाहिए और 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेफरेबली बट मोर देन 6 बट नॉट लेस देन 4। ठीक है, तो इसमें मेनली जो है तो 6 से ज़्यादा होना चाहिए और 4 से कम। नेक्स्ट है सिंगल टेंडर। सिंगल टेंडर की अगर बात करें यहाँ पे तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस एंड इमरजेंट सिचुएशंस, ऐसे जैसे एक्सीडेंट्स हो गया या डिरेलमेंट हो गया या किसी वर्क का डिसलोकेशन करना है, तो उस केस में जो है तो रेलवे जो है तो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल कंकरेंस
ऑफ एफ एंड सी ए ओ एंड विद द अप्रूवल ऑफ जी एम सिंगल टेंडर जो है तो निकालती है। इसके लिए भी रेलवेज में ऑफिसर्स हैं, उनकी एस ओ पी निर्धारित की गई है। तो अगर हम एस ओ पी की बात करें यहाँ पे, तो पर केस अप टू 20 लाख, 20 लाख पर केस पर पी एच ओ डी प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है, तो एक तरह से विद 20 लाख टू व्हाट 1 करोड़, 20 लाख टू 1 करोड़ एनुअली, 20 लाख पर केस पर पी एच ओ डी सब्जेक्ट टू एनुअल लिमिट कितनी रहती है 1 करोड़ की, जिसमें फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर्स का कंकरेंस होना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर हम डी आर एम लेवल पर बात करें, तो यहाँ पे अप टू 10 लाख पर केस पर डी आर एम एंड एनुअली जो है यह लिमिट कितनी हो जाएगी 50 लाख। प्रायर फाइनेंस कंकरेंस जो चाहिए वह सीनियर डी एफ एम का यहाँ पे प्रायर कंकरेंस चाहिए। फिर ऑल सिंगल टेंडर केसेस अदर देन स्टोर विल रिक्वायर व्हाट जी एम्स पर्सनल सैंक्शंस एंड एफ ए एंड सी ओ कंकरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स कि जितने भी और दूसरे सिंगल टेंडर्स हैं उन सब में क्या है, एफ ए एंड सी ओ का कंकरेंस और जी एम्स का पर्सनल अप्रूवल इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपना जो टेंडरिंग सिस्टम का नेक्स्ट टेंडर है बुलेटिन टेंडर। तो बुलेटिन टेंडर्स को अगर कई आइटम्स है जो हमें कि स्टोर्स के लिए या कुछ सर्टेन इम्पॉर्टेंट वर्क्स के लिए जो है परचेस करने होते हैं, तो इस केस में रेलवेज जो है तो बुलेटिन टेंडर के थ्रू इसकी प्रक्रिया करता है। अब नेक्स्ट हम बताते हैं आपको कि लिमिटेड टेंडर्स है उसके लिए जो एस ओ पी, मैंने जैसा कि आपको पहले बोला था कि कुछ एस ओ पीज होती है जिसके थ्रू जो है हमारा जो भी रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग जो है तो अमाउंट खर्च करते हैं। तो हम बात करें यहाँ पे अगर पी एच ओ डी और सी एच ओ डी लेवल की प्रिंसिपल हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट और चीफ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स, तो उनका जो लिमिट होता है वह कितना होता है, 1.5 करोड़ से लेके 7.5 करोड़ रुपए। और इसके बाद एस ए जी ऑफिसर जो होते हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर्स और डी आर एम्स की बात करें, तो यहाँ पे 37.5 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक का सैंक्शन उनके पास होता है। इसी प्रकार जे ए जी और सीनियर ग्रेड जो होता है उसका जो सीलिंग लिमिट होता है वो कितना होता है, 37.5 लाख रुपीज़। तो लिमिटेड टेंडर्स में जो है लेवल ऑफ ऑफिसर्स और उसके एस ओ पीज़ के बारे में हमने देखा। एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी इक्विपमेंट्स है उसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जिसके थ्रू उसका रिपेयर वर्क जो है एनुअली किया जाएगा, तो उसका भी जो बिडिंग होता है वह होता है सिंगल टेंडर के थ्रू ही होता है। वह पर्टिकुलर जो ऑथराइज डीलर होगा वह विद द हेल्प ऑफ विद द अप्रूवल ऑफ एडिशनल जीएम उसको जो है तो एएमसी का टेंडर 1 साल के लिए दे दिया जाता है। तो इस तरह से हमने रेलवे में जो टेंडरिंग सिस्टम अडॉप्ट किए जाते हैं उनके बारे में और साथ में टाइप ऑफ टेंडर्स और टेंडर्स क्या है इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी ली। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और चैनल में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका दिन